कौन होगा 3.0 में विलेन, कब आ रही है ये फिल्म। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूँ सानिया सैफी। दोस्तों 2.0 भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म थी जिसका निर्देशन शंकर ने किया था। इसके लेखक शंकर और जय मोहन थे और ये 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन यानी कि रोबोट का दूसरा पार्ट है, जिसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन और अक्षय कुमार मुख्य किरदार में हैं। A.R. रहमान ने फिल्म में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया था। 29 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित किया गया। जनरली इस फिल्म को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ही मिला है। इसमें आलोचकों ने विशेष रूप से फिल्म के दृश्य प्रभाव, रजनीकांत और अक्षय कुमार के प्रदर्शन और साथ ही साथ सामाजिक संदेश देने की सराहना की है, लेकिन कहानी और उसकी गति को लेकर काफी आलोचना भी हुई है। हालांकि इस फिल्म ने अपने पहले दिन ही दुनिया भर में 117.34 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस फिल्म के हिंदी डब ने 140 करोड़ रुपए की कमाई की और बाहुबली द कंक्लूजन के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी डब फिल्म बन गई है। इसी के साथ पूरी दुनिया में इसने सबसे अधिक कमाई करने वाली छठी भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया था 563 करोड़ रुपए के बजट से और फिल्म ने कमाई की 700 करोड़ रुपए की। फिल्म के बेहतरीन विजुअल्स को लेकर दर्शकों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया था और फिल्म की सक्सेस को देखते हुए फिल्म मेकर्स पूरी तरह से मूड में हैं इस फिल्म के सीक्वल को बनाने के लिए, यानी कि 3.0 पाइपलाइन में है। दोस्तों हाल ही में फिल्म से जुड़ी एक ताजा और बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि 3.0 के विलन के लिए इस बार फिल्म मेकर्स और भी ज्यादा आगे जाना चाह रहे हैं और बड़ा विलन इस फिल्म में दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि फिल्म की तीसरी इंस्टॉलमेंट में विलन के किरदार में कोई फीमेल नजर आने वाली है और फीमेल भी हॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस होगी। जी हाँ, 3.0 के लिए ना सिर्फ विलन के किरदार में फीमेल होगी बल्कि वो होगी हॉलीवुड एक्ट्रेस, और हम बात कर रहे हैं हेलेना बोनहम कार्टर की, जिन्होंने हैरी पॉटर में निभाया था बहुत ही विलनस किरदार जिससे आज तक बच्चे नफरत करते हैं। जी हाँ, सही समझे, बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज की। हैरी पॉटर में विलन का किरदार निभाने के बाद वो एक और बार बच्चों की फिल्म एलिस इन वंडरलैंड में फिर से विलन के किरदार में नजर आई थी और हम देखते हैं कि आज तक हेलेना ने ज्यादातर विलन के किरदार ही निभाए हैं और हर किरदार को इस तरह से दिखाती हैं कि दर्शक उनके दीवाने हो जाते हैं। और इसी चीज को देखते हुए अब 2.0 के फिल्म मेकर्स चाहते हैं कि 3.0 में हेलेना विलन का किरदार निभाए। दोस्तों अगर बात बन जाती है और हेलेना फाइनली इस फिल्म के लिए हाँ कर देती हैं तो ये फिल्म बनेगी हॉलीवुड के लेवल पर। उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म के लिए हेलेना हाँ कर दें और बॉलीवुड को मिल जाए एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म। इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूँ सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।